भारतीय रेलवे, कहा जाता है कि जितनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रेलवे नागरिकों के लिए करता है, इतना कहीं दूसरी जगह नहीं होता। हर ट्रेन में टिकट चेकर के साथ रेलवे पुलिस की एक बोगी, जिसमें सवारियों के साथ कोई अनहोनी न हो, इसलिए पुलिस मौजूद रहती है, जिसे GRP कहते हैं। वहीं स्काउट डॉग्स भी रेलवे पुलिस के साथ रहते हैं। कैमरे से मूवी बनाई जाती है, हर सवारी को अलर्ट में रखा जाता है। किंतु चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर GRP के थाने में आप कुछ लोगों को देख रहे हैं। इन लोगों ने रेलवे की सुरक्षा पर, टिकट चेकर्स और रेलवे पुलिस पर लापरवाही के वो संगीन आरोप लगाए हैं जो वाकई रेलवे मंत्रालय पर निशान चिन्ह लगाते हैं। चंडीगढ़ GRP थाने में मौजूद इन सवारियों का कहना है कि इंदौर से चंडीगढ़ आ रहे कुछ लोगों का सामान चोरी हुआ है। न GRP कोई एक्शन ले रही है, न उनकी सुनी जा रही है। हेलो गाइस, आज यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज है। हम लोग अभी ग्वालियर से आ रहे हैं चंडीगढ़, और ग्वालियर हमारी थी इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन, ट्रेन का नाम ये है, और हम ग्वालियर से बैठ के आ रहे हैं। और यहाँ पे इतने पर्सन है, सबकी चोरी हो रखी है, आप ये देखो। और हम पुलिस स्टेशन आए हैं तो पुलिस क्या कर रही है, हमसे हमारी कंप्लेंट डाल रही है, और कोई भी हमारे लिए एक्शन नहीं ले रहा, सब उनका फेवर कर रहे हैं। टीटी हमारे पास, ग्वालियर से हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे हैं, कोई भी पर्सन हमारे पास नहीं आया, एक टीटी भी नहीं आया हमारी टिकट चेक करने के लिए। और जिनके पास आए हैं, आप ये देखो इन्होंने अपनी कंप्लेन लिखी है। आप अपना नाम बताओ। गुरदीप सिंह सैनी, इंदौर तो चंडीगढ़ आया, मेरे दो बैग कपड़े चोरी हो गए। हाँ जी, और ये देखो इन्होंने ये अभी अपनी कंप्लेन खुद लिखी है अपने हाथों से, ठीक है। आपका नाम? मैं इंदौर से आई हूँ, धारणा सोलंकी। मेरा पर्स, मोबाइल, ATM कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID सब कुछ है इसमें। और देखो इनका ये पर्स पूरा चोरी हो गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जाने के लिए, पैसे अब इनके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं है। आप बताओ इनकी कौन हेल्प करेगा। और दूसरा, एक मेरा पर्स चोरी हुआ है जिसमें दो फोन थे मेरे, एक मंगलसूत्र था मेरा, गोल्ड और मेरा कैश था, वो सब चोरी हो गया है। और मेरा, और ये आपका नाम क्या है? हमारा नाम नीमा साहू। आपका क्या चोरी हुआ है? हमारा 3 तोले का मंगलसूत्र और 1.5 तोले का झुमकी। और ये आपके पर्स से चुराया है? पर्स पूरा ले गया। पर्स कहाँ रखा था आपने? सर के नीचे रखा। सर के नीचे? इनका भी पर्स देखो सर के नीचे था। और आपका? सर के नीचे। इनका भी सर के नीचे रखा था। पानी दिल्ली और पानी डिब्बे में हुआ। और आपका नाम? मेरा नाम श्रेया एसवड़िया है। मेरा फोन चोरी हो गया, ओप्पो का था, उसमें ATM कार्ड भी था, और मेरा नगद कैश था, वो भी चोरी हो गया है। और ये आपने रखा कहाँ था? अपर वाले बर्थ में, बगल में पर्स, इसी पर्स में था, बगल ही में था पर्स मेरा। इनका पर्स चुरा लिया, पर्स लेकर गए हैं, सारा कैश निकाल लिया, सारे फोन निकाली, और पर्स इन्होंने बाथरूम में फेंक दिए। सबके पर्स बाथरूम में मिले, और आधे लोगों के पर्स ही नहीं मिले। और यहाँ पे आप ये देखो, हम पुलिस स्टेशन पे हैं, ये देखो, ये चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन के पास में GRP थाना है, और यहाँ पे कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। इनफैक्ट हमें खुद कंप्लेन लिखनी पड़ रही है, और सब अंदर आराम से बैठे हैं, चाय कॉफी पी जा रही है अंदर। और ये देखिए सर, आपका नाम क्या है? योगेश गुप्ता। और सर आपकी बोगी का नंबर? S9। आपको सर क्या क्या चोरी हुआ है? सर मेरी बुआ का 5 तोले के गोल्ड चोरी हुए, मोबाइल चोरी हुआ है, ATM कार्ड चोरी हुआ है, और मेरी वाइफ का मोबाइल चोरी हुआ है, और उसमें कुछ कैश भी था, मेरा 1500 रुपए भी था। इस ट्रेन में पहले भी चोरी हो चुके, जबकि मैं भी मथुरा से चंडीगढ़ आ रहा था, मेरा भी मोबाइल फोन और मेरा एक बैग चोरी हो गया, जिसमें बहुत कैश भी था मेरे पास, और मेरा मोबाइल फोन भी गायब हो गया। और ये आपका बैग, आप अपना बोगी नंबर बताओ, कौन सा नंबर? S6, सीट नंबर 73। ये देखिए S1, S2, S3, S11, 17 तक, मतलब हर एक बोगी पे हर एक पर्सन की चोरी हुई है। यहाँ पे आधे लोग बैठे हैं, और आधे जो है अभी भी स्टेशन पे बैठ के रो रहे हैं, जिनकी चोरी हुई है, सब कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। सर सुबह 6 बजे 6:30 बजे से यहाँ धक्के खा रहे हैं, सारे टीवी पे खा रहे हैं हम लोग। दीक्षा में आपका फोन है, यहाँ कोई अधिकारी लेकिन आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। अगर रात में कोई विदाउट टिकट हम विदाउट टिकट चढ़ाए थे, सुनो 1600 रुपए पेनल्टी भरी है मैंने। आपका नाम क्या सर? अशोक चोपड़ा। अशोक चोपड़ा, इन्होंने मेरे को सुबह अम्बाला ये रिप्लाई दिया है। मैंने इनसे पूछा सर आपके टीटी बाकी लोग कहाँ पे हैं, तो इन्होंने मेरे को ये रिप्लाई दिया है कि वो तो अंदर सो रहे हैं। इन्होंने मेरे को ये जवाब दिया है अशोक जी ने।
ठीक है। और हम इनको सुबह 6:30 बजे से जीआर पुलिस भी बुला रही है, इनके अधिकारी भी बुला रहे हैं रेलवे के, उनके कहने के बावजूद भी अब टाइम देख लो, अब क्या टाइम हो रहा है, 12 बज गए 12 बजे ही आए हैं यहाँ पे उसके बावजूद। तो थर्ड पर्सन का है उनको भी बुलाओ, थर्ड पर्सन हाँ सरदार जी तो हमें तीसरी दीदी को भी बुलाया जाए। सर आप तीनों थे, तीनों को बुलाओ, एक दीदी आया क्यों नहीं, टिकट चेक करने के लिए आए हैं, हमारे पास तो कोई नहीं आया जो दिल्ली से 11 में थे, कोई चेक करने, अगर रात को विदाउट टिकट कोई। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।